हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप जीमेल से सभी मेल को एक साथ डिलीट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप जीमेल ऐप में जाते हो तो यहाँ पर आप सभी को एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट नहीं कर सकते हो। हो सकता है आपके इनबॉक्स में 1000 से ऊपर मेल हो चुके हैं और आप सबको एक साथ एक क्लिक में डिलीट करना चाहते हैं, तो बट यहाँ से पॉसिबल नहीं है। तो कैसे करेंगे डिलीट? दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हो तो बहुत आसानी सीख जाओगे। अगर आप यहाँ से करोगे जीमेल ऐप से, इस तरह से एक एक करके सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। यहां पर आप फिल्टर भी नहीं लगा पाते हो कि आपको किस डेट से लेकर किस डेट तक का डिलीट करना है, किस मंथ का डिलीट करना है, या सभी को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करना है। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, बस आपको एक एक डिलीट कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से सेलेक्ट कर करके सभी को सेलेक्ट करके इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सेलेक्ट करके इस तरह से आप जो है सभी को जब इस तरह सेलेक्ट करोगे और फिर डिलीट करोगे तब डिलीट होंगे, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है। तो कैसे करना है सभी को एक साथ डिलीट आपके जीमेल के सभी मैसेज को, तो चलिए हम आपका टाइम वेस्ट अब नहीं करते, आपको दिखाते हैं करना क्या है। तो बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि अब मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए दोस्त आपको यहाँ पे अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। देख सकते हैं आपका मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र होता है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके यहाँ पे टाइप करना है gmail.com। क्या टाइप करेंगे? gmail.com। देख सकते हैं आ गया पहले नंबर में, इसी को हम सर्च कर लेते हैं gmail.com, ठीक है। इतना आप सर्च करेंगे, अब यहाँ पर जैसे आप सर्च करेंगे तो देख सकते हैं इस तरह से आ जाता है, आपको यहाँ पे ईमेल डालने का ऑप्शन आ जाता है। देख सकते हैं साइन इन टू कंटिन्यू टू जीमेल। दोस्तों, यहाँ पर आपको उस जीमेल आईडी को डालना है जिस जीमेल आईडी में बहुत ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं, उन सभी मैसेज को एक साथ आप डिलीट करना चाहते हैं, उन सभी मेल को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं, तो उस मेल आईडी को यहाँ पे डालेंगे और उसका पासवर्ड डाल के हम लॉगिन करने वाले हैं। तो चलिए आपके सामने ही करते हैं क्या प्रोसेस है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पे थ्री लाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है और इसे डेस्कटॉप मोड में कर लेना। देख सकते हैं हमने कर रखा डेस्कटॉप मोड में, ठीक है। अब यहाँ पर कर लेते हो इतना, तो इसके बाद अब हम ईमेल को डालने वाले हैं। यहाँ पर आप ईमेल डालने के लिए देख सकते हैं हम ईमेल यहाँ पर डालते हैं, जो भी आपका जीमेल आईडी उसे आप डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपना जीमेल आईडी डाल दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो इसका पासवर्ड मांगेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने जस्ट पासवर्ड डाल दिया है। अब चलिए पासवर्ड डाल चुके हैं हम, तो अभी इसको हम लॉगिन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा, लोडिंग लेगा थोड़ा सा। सकते हैं यहाँ पर ये आ चुका है, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख के आ रहा है कि क्या लिख के आ रहा है, टेक मी टू जीमेल। यहाँ पर आप क्या करेंगे, टेक मी टू जीमेल यहाँ पर इतना कर दीजिए। फ्रेंड, आप जीमेल से सभी मैसेज को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला काम करना है क्रोम ब्राउज़र में अपने जीमेल को ओपन करना है, ओके। जैसे आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र पर हमने जीमेल को ओपन किया है और यहाँ पर अपनी उसी आईडी को लॉगिन करना। देख सकते हैं इस प्रोफाइल में मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर टॉप कॉर्नर में, तो यहाँ पर हमारी वही मेल आईडी लॉगिन है सबसे टॉप में, देख सकते हैं, जिसके हमें सभी मेल को डिलीट करना है, जिस मेल आईडी के सभी मेल को हमें डिलीट करना है, जो इस मेल आईडी में जितने मैसेज आ रखे हैं उनको हम एक साथ डिलीट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा हो गए, जो कि 1000-2000 नहीं बल्कि 15-16 हज़ार यहाँ पे देख सकते हैं 15000 मैसेज हैं। इन मैसेज सभी को हम डिलीट करना चाहते हैं एक साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गए मैसेज और हम इसे खाली करना चाहते हैं मेल को। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले उसको आप आईडी को यहीं पे टॉप में रख लेंगे, ठीक है। तो आपके इसी मेल आईडी के सारे मैसेज शो करेंगे। यदि यहाँ पर आपकी वो मेल आईडी नहीं आ रही है, नहीं शो कर रही है, तो आप एड अनदर अकाउंट यहाँ पर लिख के आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके अपनी उस मेल आईडी को लॉगिन करिए और उसको पहले यहाँ पर टॉप में लाइए। जैसे यहाँ पर ये है तो इसके सारे मैसेज शो कर रहे हैं, इसी तरह से आप एड अनदर अकाउंट जैसे ही करेंगे तो वो मेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको उस मेल आईडी के सारे मैसेज शो करने लगेंगे। अब इनको हम एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिख रहा है, ये नीचे की ओर, यहाँ पर मोर का ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ऑल मेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल मेल पर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑल मेल पर क्लिक कर देंगे तो आपके सभी मेल आ जाएंगे। देख सकते हैं जितने भर मेल आपके यहाँ पर हैं, देख सकते हैं 16,325 मेल हैं टोटल। इन सभी मेल को हम एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, अदरवाइज़ आप फिल्टर लगाना चाहते हैं, फिल्टर लगाकर डिलीट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं फ्रॉम एनी टाइम यहाँ पर करेंगे तो ओल्डर देन अ वीक, यहाँ पर मंथ, सिक्स मंथ, वन ईयर, फिर कस्टम चेंज आप अपने से यहाँ पर कस्टम दे सकते हैं, ठीक है ना। अटैचमेंट यदि डिलीट करना चाहते हैं फ्रॉम, तो आप यहाँ पर एक्चुअली फ़िल्टर लगा सकते हैं, बाकी हम फिल्टर उल्टर नहीं लगाना चाहते हैं। यदि हम सबको डिलीट करना चाहते हैं, आप सबको डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर सबको इस तरह से सेलेक्ट करना होगा। सबको सेलेक्ट करते हैं, फिर भी यहाँ पर अभी 50 कन्वर्सेशन ही सेलेक्ट हुए हैं क्योंकि इस पेज में 50 मैसेज हैं, ठीक है। तो यदि आप सबको करना चाहते हैं तो क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल 16,335 कन्वर्सेशन इन ऑल मेल, तो आप इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं सब सेलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर सब सारे तो सेलेक्ट हो गए हैं, इनको आप सबको डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे, तो दोस्त यहाँ पर आप डिलीट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे,
का यहाँ पर कंफर्म वर्क एक्शन लिख के आ रहा है, यहाँ पर लिख रहा है दिस एक्शन विल अफेक्ट ऑल 16,335 कन्वर्सेशन इन ऑल मेल, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे क्योंकि हमें सभी को डिलीट करना है, ये एक बार हमें मेल को पूरा खाली करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा इसको डिलीट करने में, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर अभी यहाँ पर इतना सेलेक्ट है, तो इसको फिर से आप एक बार से यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस तरह से आप जैसे डिलीट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना और बचा है, तो एक बार और फिर से इसी तरह से डिलीट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट हमारे सब कुछ खाली हो चुका है, एक भी मेल नहीं बचा है, ठीक है। यू डोंट हैव एनी मेल, आवर सर्वर आर फीलिंग अनलोड, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप कंप्लीट डिलीट कर पाएंगे, तो आई होप आप इस तरह से सब कुछ डिलीट कर पाएंगे। दोस्त यदि आपका इस तरह से यहाँ पे गूगल वर्क स्पेस ये लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, तो क्यों ओपन नहीं हो रहा है, यदि आपको इस तरह से नहीं आ रहा है, HTML में जीमेल खुल रहा है और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपका यहाँ पर जीमेल इस तरह से ओपन नहीं हो रहा, जैसे मैंने इसको डिलीट किया फ़िल्टर लगा के, आप यहाँ पर फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। तो दोस्त यदि आपको इस तरह से नहीं दिख रहा है, नहीं शो कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा। बाकी आपको बता दूं कि आपको करना क्या होता है, आपको क्रोम ब्राउज़र को अपडेट करना है। क्रोम ब्राउज़र में यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है कि क्रोम ब्राउज़र का ऐप इन्फो में जाना है और इसका क्लियर डाटा और क्लियर कैसे कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर जाएँगे ऐप इन्फो में जाएँगे और यहाँ पर स्टोरेज में जाएँगे, इस तरह से स्टोरेज में जाएँगे और यहाँ पर क्लियर कैसे और मैनेज स्टोरेज में क्लियर डाटा कर देना है। इससे होगा दोस्त ये कि आपका क्रोम ब्राउज़र में जो भी मेल आईडी को लॉगिन करेंगे, फिर gmail.com लिख के इसको ओपन करेंगे, जीमेल को ओपन करेंगे, तो दोस्त आपको ये यहाँ पर वहाँ पर लिख के आएगा कि HTML में आप लॉगिन करना चाहते हैं या फिर आप लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन में लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि अपडेटेड वर्जन में टेक मी टू न्यू लेटेस्ट जीमेल ऐप। तो दोस्त आपको यहाँ पर इस तरह से ओपन कर देगा, इस तरह से यहाँ पर ला देगा और डेस्कटॉप मोड में आप ओपन करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से आ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी आप बोलोगे आप नहीं आ पा रहे हो तो कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक पे। थैंक यू, चैनल विजिट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप जो है एक साथ सेलेक्ट करके सभी मेल को डिलीट कर पाएंगे। धन्यवाद, चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।